हेलो हाय, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और सब कुशल मंगल। आवाज़ मेरी फटी हुई सही से सुनाई दे रही है? तो आपका फेवरेट चैप्टर है ना, जिससे आपको लगता है डर। जब कोई बोझ सा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि तुम लोग ना इस चैप्टर से पता नहीं क्यों डरते हो। हमेशा तुम मेरे को यही बोलते थे, मैडम जी ये वाला चैप्टर कब कराओगे। तो कैसे हैं आप सब? तो आज फाइनली हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर करेंगे बातें। एक बार मैं देख लूँ सेशन लाइव है, मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है? कहीं मैं अकेले अपने आप से तो बातें नहीं कर रही ना? हाँ, अकेले तो बातें नहीं कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग श्रवणी जी, गुड इवनिंग। आज जल्दी आ गए अंकुर, बहुत सही किया अंकुर। पूजा जायसवाल, राम राम। सिन्हा साहब केम छो, माजा मछो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैडम के साथ मिलकर खूब अच्छे से। दिव्या, रुद्र, रोहित, हेलो हाय वेलकम, आप सबका स्वागत है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे बातें करेंगे। मैं ना आपको शुरू में ही कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है? कोई एक मेथड पर्टिकुलर लेके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम भरपूर मात्रा में है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन के हिसाब से कभी रेट पे काम करना पड़ता है, कभी रेशियो पे काम करना पड़ता है ना? तो आपके पास सारे के सारे हथियार होने चाहिए, ठीक है? वो सब हथियार पहले हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वार करेंगे क्वेश्चनों पे, ठीक है? ये बातें सुन लेना ध्यान से, और जोन सा भी पॉइंट क्लियर ना हो आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आपने अपने अंदर एक दृढ़ माइंडसेट कर रखा है ना कि मैं तो इस चैप्टर को हमेशा रेशो से ही करूंगा, मैं तो ट्री बना के करूंगा, तो फिर आप क्वेश्चन तो कर देंगे, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, ठीक है? आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे आपने एक तरीका ही सोल्व करने में यूज कर रखा हो, टाइम की बात होती है। अगर आप चाहते हो टाइम बचे, आप चाहते हैं आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाए, तो मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना है। हेलो, गुड इवनिंग उमेश, ठीक है? मैंने गेम की शर्तें बता दी, अब हम खेलना शुरू करते हैं, ठीक है? चलो ओके। सबसे पहले सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे कल आपने सिंपल रिटर्न्स में नॉर्मल सी बातें बोली, रेट होता है, यहां भी रेट होता है, प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहां शर्त होती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो एक नॉर्मल सा 2 साल पे बात शुरू करती हूं मैं। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उधार ले रही हूं या दे रही हूं, कुछ भी मान लो, ठीक है? मैंने कहा प्रिंसिपल जो है ना वो 20,000 है। सबको गुड इवनिंग है जी, मैंने गुड इवनिंग पर ध्यान दे दिया है सबकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर है ना मैं, और समय 2 साल है, ठीक है? आप अपने अपने तरीकों से आंसर कर सकते हैं, मुझे पता है। मैं आपको सारी सारी बातें बता दूंगी, सुनते रहना बस। टाइम 2 साल है, आपने मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताना है, ठीक है दोस्त? हाँ, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, बिल्कुल। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने ध्यान से सुना है। सबको गुड इवनिंग जी, पर्टिकुलर नाम बाद में ले लूंगी मैं तुम्हारे, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, द बेसिक अप्रोच, ठीक है? कैसे काम होता है हमारे सिनेरियो में, रियलिटी में क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल पर ब्याज निकाला जाता है, ठीक है? देखो, सबसे पहले 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है, इसका 20% देख लिया जाएगा। आप कुछ भी आंसर वांसर कर दीजिएगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आंसर कर देंगे, लेकिन मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने पर फोकस कर रही हूं, आंसर नहीं देख रही हूं, ठीक है? 20,000 का 20% निकालोगे, तुम बोलोगे मैडम जी 10% के लिए एक जीरो कम, 20% के लिए 4,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, सही है? अगर आप रियलिटी देखें ना, तो अगले साल क्या होगा, ये 4,000 आपको ब्याज के तौर पर 1 साल में तैयार है, ठीक है? आप लेना चाहो तो ले लो, ले गए तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा हो गया कि ब्याज तो आप ले ही गए, फिर बैंक में सिर्फ 20,000 पड़ा है। अगर आपने इसको छुआ नहीं तो ये बैंक में मौजूद है, ठीक है? एक बार बैंक का एग्जांपल ले रही हूं, ये मौजूद है वहां, तो ये प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाएगा, आपके खाते में तो चढ़ जाएगा 4,000 कि इस भाई का पहले साल का ब्याज 4,000 है, लिख दो, लेकिन आपको छूने नहीं देंगे, वो दूर से देखने देंगे, वो देख तेरा 4,000 पड़ा, देख ले 20,000 4,000 सलामत है, लेकिन आपको छूने नहीं देंगे, समझ रहे हो ना? समझाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूं। इस 4,000 को 20,000 में जोड़ के 24,000 ले लेंगे, और फिर 20% के हिसाब से तुम्हें ब्याज देंगे, सही बात बोल रही हूं ना, है ना? बिल्कुल, तुम्हें 20% के हिसाब से ब्याज देंगे इस 24,000 पर, तो कितना बैठेगा? तुम बोलोगे मैडम 4,800 बैठेगा।
ऐसे कहानी खत्म हो जाएगी और दो साल बाद तुम्हें 8800 दे देंगे, सेकंड ईयर में 4800 ब्याज देंगे। अब देखो, आपने देखा मेरा एक जगह पेन थोड़ा सा अटका जब मैंने यहां 20% निकाला, अगर आगे चलती जाऊं कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इसी पिक्चर को अगर हम शॉर्ट वे में करें, अगर हम इसी पिक्चर को शॉर्ट वे में करें तो हमें काम करते हैं, छोटा सा एक ट्री फॉर्म बना लेते हैं। पहले साल का इंटरेस्ट 20% के हिसाब से 4000 हो गया, ये जुड़ेगा, मैं जोड़ूंगी नहीं, मैं तोड़ के इंटरेस्ट देखूंगी, प्रिंसिपल पर सेकंड ईयर में अलग और इस पर अलग। तो क्या मैं बोल सकती हूं इस तरह से भी, मैं इसको जोड़े बिना भी तो ऐसे पिक्चर क्लियर कर सकती हूं, पहले साल का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? आप बोलोगे मैडम बिल्कुल लिख सकती हो, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे जी ये कुल मिला के 8800 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप इनको नाम तक दे सकते हो, आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, आप इसको बोल सकते हो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, और इस पूरे डब्बे को बोलोगे दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। सही बात है ना, है ना? पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, दो साल का इंटरेस्ट। और इसी भाई साहब को, इसी 800 को बोला जाता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, CI माइनस SI फॉर टू ईयर्स। इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया है, CI माइनस SI फॉर टू ईयर्स। बोलो सही बात है। जब आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालते हो तो ये कहलाता है दो साल के CI और SI के बीच का डिफरेंस। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? अब मैं आपको बताती हूं कि ये है ट्री मेथड दो साल का। आप ऐसे कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी रेट को लगा के, तुमसे CI माइनस SI बोलेगा, क्या कैसे पता चला CI माइनस SI है? ये पूरा डब्बा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है और ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो अगर मैं 8800 में से 8000 को रफा दफा कर दूं तो 800 ही तो बचेगा, और 800 क्या हो जाएगा? CI माइनस SI हो जाएगा दो सालों के लिए। दो साल है, अभी तीन साल पे भी जाऊंगी, चार साल पे भी बात करेंगे, पहले दो साल को नक्की करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो तुम सारे, यहीं से मैं तुम्हें एक और बात बताती हूं। ट्री बनाना हर किसी को आ गया है ना? सब बताऊंगी। एकदम से तुम सारा लोड मत डालो मेरे ऊपर, एकदम से सारा कुछ बता दिया तो फिर खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, सारा मोजी खत्म हो जाएगी, मतलब चीजों को समझाने की बजाय खुद ही फंस जाओगे। चलो इधर देखो, अब एक बात बड़ी काम की बता रही हूं, नजर मत हटा देना, नजर हट गई दुर्घटना घट गई। तुमने कभी कभी देखा होगा जब मैं प्रैक्टिस कराती हूं तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेती हूं दो साल के लिए, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे आया। इस फॉर्मूले को सीधा प्रिंसिपल पर लगाते ही कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है, सही है, पता चल जाता है सीधा इस फॉर्मूले को। कैसे? इसमें रेट को डाल दो, रेट सेम भी हो सकता है एक साल दूसरे साल का, वेरी भी कर सकता है। तुम इसको यहां डाल दो, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। मेरी बात कुछ समझ रहे हो? हम कर सकते हैं ना आयुषी? आयुषी जब ये सोल्व करोगी ना तो 20 20 40 बनेगा, 40 साइड में लिख लिया और इसको सोल्व किया तो ये 4 बन गया, 44% लिख दिया मैंने। मतलब मैं ऐसा भी कर सकती हूं कि डायरेक्ट मैं 20,000 का 44% निकाल दूं तो भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। आप अपने आप से सवाल करते रहना जो भी तुम्हारे को पूछने हो। मैंने अगर 20,000 का 44% कर दिया, मेरे को 8800 ही तो मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये आपकी आंखों के सामने है, अगर मैं इनको सोल्व ना करूं, मैं ऐसे लिख दूं नजर हटी दुर्घटना घटी, मैंने कहा ये पी है प्रिंसिपल, देख रहे हो, वेरी गुड, गुड इवनिंग जी, मैंने कहा ये प्रिंसिपल है। तुम बोलोगे प्रिंसिपल का 20%, मैंने कहा सोल्व मत करना, सोल्व मत करना, क्योंकि सोल्व करोगे कैसे, प्रिंसिपल ही नहीं पता। प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल के 20% का 20%, सबको जोड़ दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। पी को जरा रास्ते से बाहर कर लो, पी को रास्ते से हटा दो, ठीक है, 1% को बाहर रख दो। अब बताओ क्या बनेगा, 20 + 20 + 20 × 20/100 तो ले सकती हूं, बोलो बना के नहीं बना फॉर्मूला। डिफरेंट रेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट रेट है तो डिफरेंट कर देना, यहां पर 30 बोल रहा है 30 लगा दो, 30 × 20 कर दो। समझ आ गई बात?
हाँ जी बिल्कुल होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं। आप बताओ इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, इसमें तुमने पी को रास्ते से बाहर कर रखा है, तुम एक एक स्टेप में सोल्व नहीं कर रहे, तुम इफेक्टिव रेट निकाल के सीधा प्रिंसिपल पर फेंक रहे हो और बता रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा, समझे, ये कर रहे हो। और दूसरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे ये बोले कि मेरे को तो बस 2 साल के CI और SI का डिफरेंस चाहिए, तो बॉस यही हिस्सा तो यूज होगा ना, तो इसको बोलते हैं CI SI का डिफरेंस। यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ CI और SI के डिफरेंस की बात हो जाए तो ध्यान रखना हम लोग सिर्फ और सिर्फ XY/100% यूज कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल पर लगा देते हैं। बोलो रेट से समझ में आई बात? हां जी, 2 ईयर के लिए लगेगा। तो अगर उसने सीधा बोल दिया कि मेरे को तो 2 साल के CI और SI का अंतर चाहिए, मैं ट्रेन ही बनाना चाहती, मैं डायरेक्ट ये लगा सकती हूं। अगर x सेम है, x का x सेम है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर X²/100% कर दूं। क्लियर है या नहीं है? क्या मैं डायरेक्ट X²/100% कर दूं प्रिंसिपल पर, मेरे को CI-SI का डिफरेंस दे देगा 2 साल के लिए? बिल्कुल दे देगा। हाँ है ना है, आप लोग जल्दी बताओ, मैंने जितनी बातें बोली वहां तक सबकी हाँ है? आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? अब जैसे मान लो किसी बंदे ने तुम्हें नॉर्मल बोला, तुम्हारी मर्जी तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, तुम्हारी मर्जी तुम्हारे मन में क्या स्ट्राइक कर रहा है। किसी ने तुमसे बोला, अगले पेज पे चलते हैं, किसी ने कहा भाई प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, CI बता दे, तो आज से रट मार लेना 10% 2 सालों में क्या बनता है, जल्दी बताओ। मंथली शंथली सब आएंगे आदित्य यार, अभी तो शुरू किया आदित्य, तुम मेरे को लगता है परेशान करने आयो, अभी मैं शुरू तो कर दूं, बता तो दूं, पहली बार पढ़ा रही हूं, बढ़ाने तो दो, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता उनको तो सीखने दो, सब बताऊंगी, मंथली शंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, 8 मंथली, 5 मंथली, 10 मंथली, सब आएगा। बताओ पहले इस पे आंसर कर दो, ये 10% 2 साल है ना, तो तुम सारे क्या करो, तुम डायरेक्ट रेट को रट्टा मार लो, 10% को तो कभी मत भूलना, जो जो बातें मैं बोलूंगी उसको सुनते जाना, ये लगाओ और आप रट मार लो कि 21% इंटरेस्ट आएगा। कभी मत भूलना कि 10% 2 साल में 21 बनता है, 3 में कितना बनता है मैं बताऊंगी ना थोड़ी देर बाद, 10% 2 साल में 21% बनता है। यानी अगर तुमने डायरेक्ट इसका 21% कर दिया तो तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम परसेंट से 2 कटा के आंसर 840 कर देना। सही है? सही है बोस, ठीक है राहुल। तो याद रखना 10% का इफेक्टिव रेट 21% बनता है 2 सालों में। और जो तुमने मेरे को बोल दिया, मैडम मैं तो चाहता हूं आप CI-SI बता दो, अगर बता सकती हो तो 2 सालों का, तब क्या करेंगे? तब आप लोग मैडम की बात मानना और आप डायरेक्ट करना इस प्रिंसिपल के ऊपर X²/100%, यानी इसका स्क्वायर बाय 100, यानी इसका 10² / 100% आप करना 1% इसका, और आंसर कर देना 40 डायरेक्ट। आपकी हां है, आपकी हां है, आप सबकी हां है, 40 तक सबकी क्लियर हम क्लियर हां है। अगर उसने CI और SI का डिफरेंस पूछा तो डायरेक्ट रेट लगाओ प्रिंसिपल पर, आंसर कर दो, ठीक है। ये ठीक नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा, ट्री वाला भी रख लो, ये भी रख लो। अब सुनो, ये सब खत्म, पहला पॉइंट क्या बताया कि हम लोग ट्री बना सकते हैं कितने भी सालों का, दूसरा हम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं कितने भी सालों का, अभी तो मैंने 2 बताया, मैं 3 पे भी लेके चलूंगी, 4 पे भी लेके चलूंगी, खत्म। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, आप रेशियो से भी हैंडल कर सकते हो, व्हाट इज रेशियो मेथड, ये वो मेथड है जो आप बचपन से जानते हैं। आपको किसी ने कह दिया कि प्रिंसिपल 20,000 है, आपको किसी ने कह दिया कि रेट 10% है, आपको पूछा 2 साल का CI बता दे, ठीक है, आपसे बोला मेरे को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दे, तो आप क्या खेलेंगे, आप सक्सेसिव का खेल खेलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही हो किसी पर्टिकुलर रेट से। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 दो बार, अगर 2 साल है, 3 साल होते तो 3 बार, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, तो ये कंपाउंड अमाउंट है। अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो 121 रुपया घर आने वाला फाइनल पैसा है, इनके बीच में जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बाउंड्रीज
₹100 जमा किए, खत्म करो सारी कहानी, मुझे कितना मिलेगा 121 दो साल बाद, ब्याज मैंने कितना खाया 21 रुपया। आपने बोला ये 100 रुपया तो 20,000 है, कितने गुना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है ना, 100 बराबर 20,000 है, 100 दूनी एक तो 200 हुआ, उसके पीछे 2 जीरो और आएंगी, तो आप इसको भी 200 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना, 4200। वेरी गुड वेरी गुड आयुषी, इफेक्टिव रेट जो भी है, सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ना उसको यूज करना है, 10% मतलब 1/10, 10 से 11, 10 पर 1 रुपए का इंटरेस्ट, अमाउंट 11, ऐसा ठीक है, आ जाएगा अक्षय जी। हाँ जी क्लियर हुई बात, दिस इज रेशियो मेथड। अगर आप 3 साल में खेल रहे हो 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये तब यूज होता है जब आपको लग रहा है कि रेट इजी है, हम क्यूब कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड, पक्कम पक्का, फास्टम फास्ट, चले हम आगे, मतलब क्लियरम क्लियरम, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ 1/10 इज 10+1 इज 11, ठीक है। चलिए अब पॉइंट टू बी नोटेड फाइनल बात करते हैं, एक लास्ट बात और करनी है जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट बात कुछ इस तरह से है, ये भी मैं हटा देती हूँ, ये सब आपके सामने सेव हो जाएगा, आज ही आगे बात करते हैं। एक लास्ट बात जिसको मैं बुलाती हूँ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल में होता क्या है, मैं आपने बहुत बार देखा होगा, मैं ऐसे लिख देती हूँ 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, ये है पास्कल ट्रायंगल, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस पर आएंगे थोड़ी सी देर बाद। दिस इज पास्कल फॉर्मेट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में काम आता है। सबसे पहले अब हम चलते हैं 3 साल पर, ठीक है, थोड़ा सा 3 साल पर मेहनत कर लेते हैं, फिर इस पर वापस आ जाएंगे। थैंक यू, ठीक है। हाँ जी शाइन जी बिल्कुल, 5, 10, 15 जो भी लिख रहे हो वो सब सही है, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूं वो सुन लीजिए, बातें बाद में कर लेना। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, सस्पेंस बरकरार रखते हैं। अब सारे मेरी बात सुनो, कॉपी उठाओ पेन उठाओ, अपना पूरा दिमाग लगा देना, 20,000 रुपए प्रिंसिपल मानते हुए, रेट को 20% मानते हुए, मैं 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाऊंगी। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आप सोचोगे मैडम ने आज 3 बातें करी हैं। पहली बात मैडम ने करी थी कि मैं ट्री बना सकती हूं। दूसरी बात मैडम ने उसी ट्री को रेट में बदल दिया था, बना सकती हूं। तीसरी बात मैडम ने रेशियो लगाया। आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप ट्री बना सकते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, आप या फिर रेशो मेथड लगा सकते हो। अब आप अपने माइंड से पूछो आपको कौन सा आसान पड़ रहा है। अगर आपको लगता है मैं रेशो से जल्दी कर दूंगा, आप रेशो लिखिए, रिलेट करिए, आंसर करिए। आप सोचोगे रेट कैसे बनाएंगे, रेट कैसे बनता है, पहले रेट पे बात कर ले। इसका 3 साल का रेट कैसे निकलता है, 3 साल का रेट कैसे निकलता है, 3 साल का रेट निकालने के लिए पहले आपको इस फॉर्मूले को 2 साल पे यूज करना होगा। मैं यहां पे एक्स वाई अलग अलग इसलिए लिखती हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक्स और वाई सेम हो जरूरी नहीं है। पहले मैं 20 को यूज करके इस पर एक रिजल्ट निकाल लूंगी, ठीक है। पहले मैं 20 पर इसको यूज करके एक रिजल्ट निकालूंगी, 40 कितना बन जाएगा, +4, 44%। वो मेरे को रटा हुआ है, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूं, 44% तक मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 44% बैठ गया, मैं फिर से फॉर्मूले पे 44 को लगा देती हूं, फिर से फॉर्मूले पे 44 के साथ तीसरा 20 ही लूंगी और आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देती हूं। मजा तब है कि ये रेट याद ही हो गया हो, 64 में आप जोड़िए कितना, 8.8 आपको मिलेगा, 72.8%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि यहां पर 72.8% आएगा। हाँ रामेंद्र आप अपने आप से सीख जाओगे, खुद आप अपने आप से सीख जाओगे कि कब क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको बेस बना के दूंगी, उसके बाद आपका माइंड खुद पकड़ लेगा यार ये तो इससे जल्दी होगा, ठीक है। 72.8% आप डायरेक्ट इस प्रिंसिपल पर लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट की इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। यस क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई
अगर मैं इस 20,000 पर 72.8% को फेंक के मारूं तो ये मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। बोलो जल्दी से, मैं 3 साल का ट्री बनाना आपको सिखाऊंगी, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि आपको, देखो अगर आप रेट को जल्दी जल्दी यहां सोल्व कर पा रहे हैं तो आप 3 साल पे भी रेट पे ही खेलेंगे। इसको सोल्व करना है, आइए सोल्व करते हैं। परसेंट से 2 जीरो कट गई, पॉइंट से 1 जीरो कट गया, 7 to 8 into 20 करना है। आप बोलोगे मैडम जी ये हो गया, मेरे ख्याल से 14560 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ। तुमको नहीं मार रही मैं। 14560 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया, रेट का टेंशन खत्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जो डरते थे आप लोग क्या है रेट, क्लियर हो गया, पक्कम पक्का सही है बॉस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब दिक्कत यह है मैडम, यहां सीआई माइनस एसआई का रेट बता सकती हो 3 साल के लिए? बता सकती हूं। 72.8% सीआई का रेट है, एसआई तो डायरेक्ट टाइम इंटू रेट होता है। तो अगर आपने मेरे से बाय चांस ये कह दिया कि हमें तो 3 साल के सीआई और एसआई को अलग करना है, डिफरेंस चाहिए, तो ये इफेक्टिव रेट में से इस इफेक्टिव रेट को यूज कर सकती हूं और मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल पर इसको लगा सकती हूं। क्या कहते हो, क्या मैं सीआई माइनस एसआई भी निकाल सकती हूं रेट के थ्रू 3 साल का? हाँ, 72.8% मेरे को पता है इफेक्टिव रेट है, 60% सिंपल इंटरेस्ट का रेट होगा, 12.8% सही है। हाँ है आप सबकी इस बात पर भी, मान लूं हाँ है आप सबकी, वेरी गुड। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्री बनाना भी सिखाई दो मैडम, ट्री बनाना सीख लेते हैं। 20,000 रुपये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 20,000 अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं आपको ट्री बनाना सिखाती हूं कैसे ट्री बनता है, और ट्री से ही हम सीख लेंगे पास्कल ट्रायंगल को। यहां तक बड़ी वाली हाँ है ना, एक एक बात समझ में आ रही है ना, किसी भी बात को दिक्कत लगे वहीं टोक देना, मैं बड़े आराम आराम से बताने की कोशिश कर रही हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगी काम कैसे किया जाता है, फिर हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने कहा 20,000 का 20% पहले साल का ब्याज, सिंपल सा चलने दो, 20,000 जमा हो गए तुम्हारे पास, यार एक साल बीत गया, इंटरेस्ट तो लिख दे कॉपी में, लिख देगा 20%, 20,000 छूने नहीं आया एक साल तक मैं, भाई मैं एक साल तक 20,000 को छू के नहीं गया हूं, मुझे 20% इंटरेस्ट दे दे, कहता है ले 4,000 तेरी कॉपी में लिख दिया, लेकिन छूने नहीं दूंगा इसको, क्योंकि तूने कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाँ किया, हम ब्याज घर नहीं लेके जाने देंगे, ठीक है। अगला साल शुरू हो चुका है जिंदगी का, 4,000 इसमें जुड़ चुका है, मेरी कॉपी में साइड में लिख दिया 4,000 ब्याज पहले साल दे देना। सेकेंड ईयर शुरू हुआ, इस 4,000 को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए अलग अलग देख रही हूं, सेकेंड ईयर 20% के हिसाब से 4,000, और ये 4,000 का 20% 800 रुपए तय हो गया, खत्म हो गए 2 साल। तीसरा साल शुरू हो चुका है बैंक में, ये भी है, ये देखो दूसरे साल मेरी कॉपी में 4,800 लिख दिया होगा उन लोगों ने। तीसरा साल शुरू हो चुका है, मोनिका जी हेलो हाय, बड़ी देर में आए आप। तीसरा साल शुरू हो चुका है, इसका 20% मेरी कॉपी में चढ़ेगा 4,000, प्रिंसिपल तो आना ही आना है ब्याज। अब आप बताओ मेरे पास और कितना ब्याज आएगा, मैं तीसरे साल में खड़ी हूं, मैंने किसी भी पैसे को छुआ नहीं है, नए नए पैसे पैदा हो गए हैं, मैं यहां खड़ी हूं, प्रिंसिपल और ब्याज आ चुका है, मेरी नजर पीछे जाएगी, पीछे देखो पीछे, मेरे सामने 3 ब्याज हैं, आपको दिख रहे हैं 3 ब्याज, सब पर दोबारा ब्याज आएगा। ये पहले साल में तैयार हो गया था, तीसरे साल में ये ब्याज देगा मेरे को, इसका 20% मेरे को कितना आएगा 800, इसका भी 20% आएगा 800, और इस 800 का भी 20% आएगा 160। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप हर साल अलग देख सकते हो, एक लाइन बना के अलग अलग कर सकते हो आप, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये 3 साल की पिक्चर क्लियर, तीसरा साल, दूसरा साल, पहला साल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में दोबारा बता दूंगी, बोलो दोबारा बता दूंगी। ब्याज पर ब्याज मिलता है, पहले साल का ब्याज, सेकेंड ईयर ब्याज, पिछले ब्याज का ब्याज, तीसरे साल में ब्याज, पीछे जितने ब्याज हैं, आपको यहां खड़े होकर एक बार पीछे देखना, यहां खड़ी हूं पीछे देखा, इसका ब्याज, इसका ब्याज, इसका ब्याज, खत्म, सही है, दोबारा आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, इसमें क्या है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आप कॉपी में करके देखो, खुद करके देखो, आप 2 साल तक तो पहुंच गए हो, तीसरे साल में एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। लेट अस सपोज प्रिंसिपल इज 8,000, रेट आपका, मैं छोटे छोटे रेट ले रही हूं अभी ताकि समझा सकूं, 10%, टाइम 3 साल है, आपने मेरे को बोला सीआई क्या होगा, इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर पास्कल ट्रायंगल सिखाऊंगी,
आ जाएगा, बनाओ इसको, देखो पेन को चलाते हैं, पेन को चलाएं, 8000 के ऊपर 10% किया, 800 आया, पहला साल खत्म, दूसरा साल शुरू हुआ, 8000 का 10% 800, 800 का 10% 80, दो साल खत्म हो चुके हैं यार, एक बात तो सोचो, अब यहां लिख के देखो, 8000, 8000 पे 10% 800, अगला साल शुरू होते 800 जोड़ दिया जाएगा, आप जोड़ो मत, टाइम वेस्ट मत करो, अलग अलग देखो, इस पर 800 और इस पर 80, अब तीसरे साल क्या होगा, ये दोनों भी साथ जुड़ जाएंगे, तो नई पिक्चर क्या होगी, 8000 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 80, सब पे ब्याज आएगा ना, मैं भी तो यही कर रही हूं, बस मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही लिखने में, मैं तीसरे साल में मूलधन का ब्याज 800 लिखूंगी, ठीक है, अब मैं पीछे वाले ब्याजों पर भी ब्याज दिलाऊंगी, इसका ब्याज 80, इसका ब्याज 80 और इसका ब्याज 8, हाँ या ना, बिल्कुल तीन तीन एक से कर सकते हो, तीन तीन एक भी सिखाऊंगी, समझ में आया कुछ के नहीं समझ में आया, अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो देखो 803 बार अब आपको समझ में आएगा वो तीन तीन एक क्या था, देखो शॉर्टकट क्या होता है, 803 बार, 80 तीन बार, 8 एक बार, दिस इज 331, शॉर्ट में ट्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, फिर ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, 803 बार, 80 तीन बार, 8 एक बार, इसे बोलते हैं पास्कल, पास्कल कहते हैं तीन तीन एक, तीन साल के लिए, देख पा रहे हो, बोलो, तीन तीन एक रेशो से करोगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बोलोज, ऐसा भी कर सकते हो कि इफेक्टिव रेट निकाल लो, आपको मैं बता दूं 10% का इफेक्टिव रेट 33.1% होता है, ठीक है आपको मैडम की बात समझ में आ गई, जितनी मैंने बताई पास्कल ट्रायंगल वाली बात समझ में आ गई, अब ये तीन तीन एक कैसे लगाना है वो सीखो, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया, 10% का फॉर्मूले से इफेक्टिव रेट निकाल लोगे तो 33.1% आएगा, कैसे आएगा सोचो, 10% का इफेक्टिव रेट 33.1% बनेगा, दिमाग को यूज करो, 33.1% कैसे बनेगा, आप 10 को दो बार यूज करो 21 बनेगा, 21 के साथ 10 को फॉर्मूले पे फिर से लगाओ आपको 33.1% नजर आएगा, सारा एक जैसा ही है सब कुछ, आपने कहा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे 100, मैंने कहा बॉस सही तो है, ये 31 हो गया और ये 2.1 हो गया, बन गया 33.1%, आप डायरेक्ट 33.1% लगा सकते हो, 10% को याद कर लो, 10% दो साल में 21, 10% तीन साल में 33.1%, जम गई बात, पास्कल ट्रायंगल कैसे लगाते हैं, देखो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो ऐसे कर लेगा, जिसको लगता है यार इतनी गंदी मल्टीप्लीकेशन करूं मैं नहीं करता, वो स्टेप वाइज चल सकता है, वो क्या कर सकता है, आपको लिखना है अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा तीन तीन एक, इस 8000 का 10% करके इसके नीचे लिख देना है, तीन बार करना है ऐसा, 8000 का 10% 800, 800 का 10% 80, 80 का 10% 8, सॉरी देखा तुम लोगों ने, दो एग्जांपल दूंगी, पास्कल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है अब देखो, 800 तीन बार 2400, 80 तीन बार 240, 8 एक बार, जोड़ दो 2648 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द खेला, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, तीन तीन एक, सबसे पहले मेन प्रिंसिपल पर रेट लगाया, फिर इंटरेस्ट पर रेट लगाया, फिर उसके इंटरेस्ट पर रेट लगाया, तीन तीन एक के नीचे लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ये ट्री मेथड का शॉर्टकट होता है, बोलो क्लियरम क्लियरम, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, क्लियर हो गया, 33.1 समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं, अब आप देखो दो साल का आपने जो बनाया था, दो साल का आपने बनाया था ना, बनाया था दो साल का, ठीक है दो साल का बनाया था ना, कैसे किया था उमेश पक्का ना, पास्कल कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, अमाउंट देने के लिए प्रिंसिपल में जोड़ देना, अब आपने कहा कि मैडम ये कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आप पास्कल ट्रायंगल दिखो तो छोटा सा लिख दो 21,
क्योंकि उसकी पिक्चर ही 2:1 की होती है। जैसे 4000 का 10% किया 400, इसका 10% किया 400 का 10% किया 40। तो मैं 2:1 क्यों लिखती हूं, 400 दो बार आया, मेन प्रिंसिपल पर ब्याज दो बार आया, 800 शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले इसका 10% यहां लिख दिया, फिर 400 का 10% 40 यहां लिख दिया, ये एक ही बार तो आ रहा है, तो बन गया 840। आई कुछ समझ, बोलोज। ठीक है, 3 साल के लिए 3-3-1, 2 साल के लिए 2-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1 होता है। ठीक है, 10% से ही बनाइए, 10% 21 होता है, वही 21 है ये 2 सालों में, 10% 3 साल में 33.1% होता है, वही 3.31 है, 4 सालों में 10% 46.41 होता है, वही 4641 है। बोलो क्लियरम क्लियरम, पक्कम पक्कम, जितनी बातें समझाई समझ में आ गई। अब तुम मेरे को बताओ क्या सोच तुम्हारे मन में आएगी, एक क्वेश्चन दिखाती हूं मैं तुम्हें, ठीक है, करो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, बताओ। नहीं होएगी कंफ्यूजन, बीच बीच में एंट्री मारोगे तो कंफ्यूजन है, वरना क्या कंफ्यूजन है, करो। करो, लो सेशन को लाइक शेयर कर देना, बताओ आपको 12,500 में 20% पर एनम के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, करो जो करना है। बोलो जो तुम्हें ठीक लगे वैसे सोचो, कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है, तुमको सोचना है कि मेरे, देखो अभी तुमको लगेगा यार पहला वाला मेथड लगाऊं दूसरा वाला लगाऊं, ऐसे सोचोगे तुम। एक ही मेथड बता देते मैडम, एक ही मेथड बता देती तो फिर आप वो लंबे लंबे तरीके से ही करते रह जाते। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो तुम्हें आसान लगे, अब तुम सोचो क्या तुम 20% को रट मार रखे हो, 72.8% मेरे को रटा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका 72.8% निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका 72.8% मेरी गुणा भाग अच्छी होनी चाहिए, तब तो मजे वाली बात है, जो मेरी गुणा भाग में गड़बड़ है मेरा आंसर कैसे सही जल्दी आ जाएगा। मैं इसको कैसे सोल्व करती हूं बड़े स्मूथली, देखो मैं लिख देती 3-3-1, लिख दो 3-3-1, वेरी गुड, यस सोना, सोना ने तो पकड़ रखा है, 3-3-1 ही लगाऊंगी मैं, 3-3-1, ठीक है जी, 3-3-1। पहले मैं 12,500 का करती 20%, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन जिसमें अच्छी होगी मैं वो करूंगी, ठीक है, 12,500 का मैं 20% करूंगी, ठीक है जी, आप बताइए कितना बन जाएगा, सारे बताओ मेरे को क्या बनेगा। इसका 1/5 मेरे ख्याल से 25 हो जाएगा, मैं 3 बार ऐसा करूंगी, फिर 2500 का 20% करूंगी, ठीक है, ये मेरा 500 बनेगा, मैं 500 का 20% करूंगी, ये मेरा 100 बनेगा, मैंने कहा 2500, 500 और 100, क्या मैंने सही किया है? अमाउंट पूछ रहा है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, ठीक है बॉस, ठीकम ठीकम। सोना बताओ 7500, अभी एक बात बताऊंगी, ये इससे आसान बात भी बताऊंगी, अब खेल आपका है, आपको खेलना है, पहले मैं समझा दूं, मैंने 3-3-1 सिखाया है ना अभी, लेकिन मैं पेपर में क्या करती, मैं 2 मिनट बाद दूंगी आपको आंसर। ये 1500 हो गया, ये 100 हो गया, आप बोलोगे मैडम जी ये 9100 है, आप इसमें जोड़ दीजिए, लो जी आंसर तैयार है, ठीक है, कितना बन रहा है ये 216000, खत्म, 00 सॉरी, ये बना आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया कैसे करते हैं, चलो जी हो गया जी। अब सुनो, हटाओ, क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब जो बच्चे प्रैक्टिस कुछ दिन कर लेंगे, 3-4 दिन कर लेंगे, वो कहेंगे यार अगर मैं इसको रेशो से खेलता, 5 से 6 में 3 बार लिख दूं, कहानी तो मेरी वही खत्म हो रही है, इसका क्यूब 125, तो सबसे स्मार्ट बच्चा तो वही होता जो ऐसे लिख के ये ऐसे करता, वो ये भी क्यों करता, उसको तो अमाउंट चाहिए, वो बोलता 125 into 100 के बराबर है, तो डायरेक्ट 100 गुना कर यार, खत्म करना मामला, ये किस किसने सोचा, जो ऐसे सोचे वो इसमें जीत गया। अब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसी की जीत होगी, नहीं, मैं तो आपको ये बोल रही हूं आपको खेलना है आप खेलो। अब इसमें पास्कल ट्रायंगल, मैं ये नहीं कह रही पास्कल ट्रायंगल को रट मार लो उसी के पीछे पड़े रहना, नहीं, आप क्वेश्चन देखो, आप रेट देखो आपके लिए। अब मान लो यहां पर 5% रेट होता, जो इसने 5% दिया होता मेरे पसीने उतर जाते, मैं 20 से 21 लिखती, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 होता है, अब मेरे को 21 का क्यूब भी तो आना चाहिए,
ऐसे सोचूंगी 9 to 6 1 होता है, बट मैं भूल गई तो, मतलब अगर वो क्यों भी मेरे को ना करने आए तो ये फेल है। मैं इसके पीछे नहीं, किसी के भी पीछे नहीं हूं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से सोचती हूँ। कहां पर कौन सी विधि का प्रयोग करना है ये वक्त बताएगा जब आप प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक है। अमित जी की हालचाल, कुछ कुछ आइडिया तो हो गया है, तुम्हारा बेस तो तैयार मैंने कर दिया, बस अब तुमको खेलना है, तुम खेलो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शांतिपूर्वक खत्म करो, आंखों आंखों में निपटा दो, आंखों आंखों में निपटा दो इस क्वेश्चन को, आंखों आंखों में निपटा दो। पेन नहीं चलाना आपको, कोई भी कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर करेगा, इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, तो वैसे धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगी क्वेश्चनों का। बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 1000 रुपए के ऊपर 10% रेट के हिसाब से 3 साल का, जल्दी जल्दी। मैं यार कुछ नहीं करने वाली, मुझे रट्टा मरा पड़ा, 33.1% इंटरेस्ट होता है, खत्म कर दो यार, क्या पंगे ले रहे हो इसके, ठीक है। ये सिर्फ 3-3 बनाएगा। अब मैं क्यों रेशियो बनाऊं, मैं क्यों कुछ बनाऊं, जब मेरे को पता है कि 1000 रुपए लगाने और मेरे को रट पड़ा है, 33.1% मेरे माइंड में फिट है, मैं क्यों कुछ करूं, है ना। तो 10% रट मार लो कि 2 साल में तो 21% होता है और 3 साल में, अभी तो ये लर्न कर लो, थोड़े बहुत रेट करने पड़ते हैं, ये होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। हाँ, 11 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है ना मेरे दोस्त, यहां पर तो, अरे यार मेरे स्टूडेंट्स का IBPS PO का मेंस क्लियर हो गया, ओ हो गजब हो गया यार, मैसेज आने लग गए बच्चों के, जिंदगी खुश कर दिया। आदित्य बिरला बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करता है, अरे खुश कर दिया यार, मैसेज आया हुआ है, मेरे तो जी, मेरे तो जिंदगी बन गई। मेरे को इतनी खुशी होती है ना जब कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, लड़का मेहनत बहुत करता है। तुमको पढ़ाते पढ़ाते रिजल्ट का मैसेज आया ऊपर, मजा ही आ गया। मैडम की क्लास नहीं रुकी, क्लास तो चल रही है, मैडम खुद खुश हो गई। मजा ही आ गया, जी से आ गए जिंदगी के। इनू दसो जी, एदा आंसर दसो जी, किवे कर सो तुसा, बताओ, वट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 years, बताओ। हाँ सोना बन गया, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, IBPS PO का रिजल्ट आ गया ना, जल्दी जल्दी बताइएगा, पार्टी दूं। पार्टी लूंगी, पहले तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए चलिए, मजा ही आ गया, अभी अभी आया रिजल्ट, जस्ट मेरे को लग ही रहा था, मेरे को सुबह से ही था कि आना है आज रिजल्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आशा जी। जल्दीज, फास्टम फास्टम बोल रहे हो क्या आंसर? एक सेकेंड रुक जाओ, बधाई तो देने दो लड़के को। चलो दोस्त, दे दी मैंने बधाई, अब क्वेश्चन करते हैं। बताओ कैसे करने की सोच रहे हो, अब बताओ, तुम भगवान की कसम खा के देखो, रेशो मेथड अच्छा है। दिव्या रुद्रा, रुद्रा बताओ क्या इसमें रेशो मेथड सही है, क्या 12% का फ्रैक्शन लिखना सही है, 12% का फ्रैक्शन 100 112, हाय राम, या 2 के पाड़े पे काटू, छोड़ो परा ना, क्या करोगे मैडम जी, या तो 12 का इफेक्टिव रेट भी अच्छा नहीं है, 12 का इफेक्टिव रेट निकालने में ये करना पड़ जाएगा, मैडम कह रही है ट्री बना दो या 2-1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खेलो, 12% निकालो, 12% निकालो और फिर 12% निकालो, सबसे आसान तो यही पड़ेगा, बोलो सही बात है कि नहीं। 2-1 लिख दो, या तो 2-1 लिख दो, तुम 2-1 वही चीज है, ये 2-1 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 12,500 का 12%, देखो 12,500 का 12%, आप मेरी कैलकुलेशन ट्रिक्स को देख के आए हो ना, इसको डबल करो, इसको आधा करो, ये 25,250 के पीछे 2 0 × 6% हो गया, ये परसेंट कट गया, ठीक है, ये 1500 बैठ जाएगा, 1500 सही है ना, 25 ठीक, ये 1500 हो गया, इधर भी 1500 लिख दिया, और 15 × 12 180 हो गया, तो बॉस ये बन गया अपना 3180, समझे।
कर सकते हो 25.44%, तुम्हारी गुणा में दम होना चाहिए। ठीक है जी, अगर तुम 25.44% करने की सोच रहे हो, मैं तो अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ, कैलकुलेशन की ट्रिक्स यूज कर सकती हूँ, ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये अगर अटका गया तुम्हारे 10-12 सेकंड खराब कर गया, वहीं बेड़ा गर गया। 25.44 बिल्कुल सही है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 लगा रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। 12 + 12 + 12 × 12/100 25.44 बनता है। क्लियरम पक्कम सुजीत, समझ में आई ना मैडम की बात? चलें अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, चेंज देखना क्वेश्चन में, नहीं हो रहा ना रेशो से, टाइम खा गया ना, तभी मैं कह रही थी रुद्रा एक चीज के पीछे नहीं पड़ना है, हर चीज से सोच के। आप दो मेरे को दो दिन दो ना, आप पूरा सीख जाओगे, आप अपने आप से सोचने लग जाओगे। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए। आज तो मैं बेसिक से बात कर रही हूँ, सिंपल सी बात है, अभी मैंने कोई लेवल नहीं उठाया है, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल? प्रिंसिपल दे रहा है 40% पर एन दे रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है। ये हाफ ईयरली क्या है बॉस? यही कह रहे थे ना, हाफ ईयरली, ठीक है। 100 जी 100, ये द आंसर 100। कैसे करूं बताओ, कैसे करूं इस क्वेश्चन को, बेस्ट तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको ना क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा। यहां पर एनम है, यहां हाफ ईयरली। आप बैंक वाले से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो मैनेजर साहब मेरे पास 1 साल का समय है, पैसा मेरा है 20,000, मैं आपके बैंक में 1 साल रख के जाऊंगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बैंक का एग्जाम्पल लेके सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। सर मेरे पास 20,000 है, मैं 1 साल के लिए अपना पैसा आपको दे देता हूँ, आप 1 साल के लिए पैसा रख लो, मुझे हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट देना। हाफ ईयरली का ये मतलब है ऐसी फीलिंग उसे चाहिए कि ब्याज पर ब्याज मिले। तो बैंक वाला कहेगा ठीक है, 6-6 महीने 2 टुकड़े कर देते हैं, तेरे 6 महीने का इंटरेस्ट जो भी बैठेगा उसको तेरे प्रिंसिपल में दोबारा अगले 6 महीने के लिए जोड़ देंगे, ठीक बात है। तो वो कहेगा सर लेकिन एक बात सुन ले, हमारा पर एनम रेट 40 है, हम 6 महीनों का रेट आधा करेंगे, 12 महीनों पर हम किसी को भी इंटरेस्ट देते हैं 40% उसके पैसे पर, लेकिन अगर तू 6-6 महीने बोलेगा तो हम रेट 20% कर देंगे सबसे पहले, फिर हम ऐसे ही सोचेंगे हाफ ईयरली दो है। देखो 6-6 महीने 2 बार आते हैं 1 साल में, तो ऐसा ही महसूस होएगा ना जैसे 2 साल का काम चल रहा है, पहला 6 महीने दूसरा 6 महीने, है ना। रेट क्या यूज होएगा, 20, तो रेट को कर दो आधा और 1 साल में देख लो कितनी हाफ ईयरली बैठ रही है, 2 हाफ ईयरली बैठ रही है। तो मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरे को बोल रहा है प्रिंसिपल तेरा 20,000 है, टाइम तेरी 2 हाफ ईयरली है, रेट तेरा 20% पर हाफ ईयरली है, ठीक है, तू मेरे को ब्याज बता दे। मैं इस क्वेश्चन में 44% डायरेक्ट लगा सकती हूँ 20,000 पर, मुझे ज्यादा मेहनत लगी नहीं रही, मैं 20,000 का 44% निकाल दूंगी, मुझे लगी ना गुना कोई टफ है, मैं 8800 के साथ चले जाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, टाइम दुगुना रेट आधा, क्लियर हो रहा है। अगर बाय चांस यहां 1.5 साल होते तो मैं 3 साल जैसा सोचती कि 3 हाफ ईयरली है, क्लियर है। कुछ बात समझ में आ गई आप सबको, जितना मैंने बोला वो क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको समझ में आ गया हाफ ईयरली में कैसे खेलते। अब देखो आपको ऐसे भी बोल सकता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके दिखाती हूं, ये देखो ध्यान से ये क्वेश्चन सोचो। हाँ जी, आप 44% कर सकते थे, अगर रेट आसानी से पता है 20 का 44 बनता है, अगर रट्टा पड़ा है लगाओ खत्म करो क्वेश्चन को, मैं डाटा देख के सोचती हूँ कि क्या करना है। हाँ पल्ले पड़ गया। इसको देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल दे रहा है, आप ध्यान से देखना उसने कंडीशन क्या रख दी। जो पैसों का मालिक है कहता है मेरे को 10 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी मेरे 10-10 महीने के ब्याज को मूलधन में जोड़ते जाओ, 3 बार ऐसा बनेगा, 2 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, वो देखेंगे हम यहां से। यहां से 2.5 साल में 10 महीने को कितनी बार आने के मौके मिलेंगे, 2.5 साल में 10 महीनों को कितनी बार आने के मौके मिलेंगे, 2.5 साल में 10 महीने, 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 30 महीने, 30 महीनों में 10 महीने 3 बार आएंगे, यानी कि 3 बार 10 मंथली आएंगे, इसका मतलब 3 साल जैसी फीलिंग आएगी। अब सुनो, हर 10 महीनों का रेट बदलना पड़ेगा, इसलिए मैं रट्टा मारने के लिए कहती हूँ, आपको समझने के लिए कहती हूँ। मुझे बताओ 15% 12 महीनों का रेट है, 12 महीनों के लिए पैसा रखने वाला बंदा खाता है मेरे से 15% ब्याज,
अगर 10 महीनों का बात करना है, हिसाब में 10 महीने रखना है, तो आओ जरा देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या आएगा। 3 × 5 = 18 मैंने उल्टा लिख दिया ना, 15/12 × 10 लिखिए ना, 3 × 5 = 3, 4 = 5 और 2 मेरे ख्याल से ये बैठेगा 12.5%। व्हाट यू से, इज इट 12.5%? जरूरी जल्दी से बताइए, इज इट 12.5%? हाँ और ना, जल्दी बताओ आयुषी, क्या 44% इसलिए क्योंकि 20% 2 साल में 44 देता है, क्लास में लेट एंट्री मारी है ना तभी झोल हुआ है, लेट मत आइएगा प्लीज। 44 कैसे आया, 20 + 20 + 20 × 20 / 100, ठीक है 12.5% को। अच्छा अब मैं सब भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल के ऐसे सोचूंगी, प्रिंसिपल है 4096, रेट है 12.5% पर 10 मंथली, टाइम है 3 10 मंथली, 3 बार आएगा ना, टाइम आएगा 30 10 मंथली, आप मेरी बात समझ रहे हैं, 30 महीने है टाइम, मतलब 10 10 महीने 3 बार होंगे, ठीक है। तो आप बताइए 3 साल जैसी फीलिंग देगा ना ये क्वेश्चन, 3 साल जैसी फीलिंग देगा तो क्या करना चाहिए बताओ, कैसे खेलूं बताओ, 12.5% है, क्या लगाऊं, तुम बोलो क्या कहते हो, तुम सारे बोलोगे मैडम जी आप एक काम करो, या तो आप 3 3 1 लगाओ या आप रेशियो से खेल जाओ, तुमको जो ठीक लगे वो लगाते हैं। मैं तो सोच रही हूं अगर मैं 12.5% का फ्रैक्शन जानती ही हूं और मेरे को क्यूब करने आते हैं, इंटरेस्ट ही तो पूछ रही हूं, मैं 3 बार लिख दूं, 8 से 9 8 से 9 8 से 9, 512 और 729, क्या ख्याल है? नहीं जी, 512 और खत्म करो 729 पे अपनी कहानी को। आप कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो, माइनस करो, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2। आप बोलोगे 512 थोड़ी ना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाबूजी 4096 है, 8 गुना हो रखे हैं, तो आप भी 217 को 8 गुना कर देना, यूनिट प्लेस से आंसर होता हो तो यूनिट प्लेस से कर देना, पीछे 6 सबके दे रखे, मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 8 × 1 = 5, 3 × 8 = 2, 17, 17, 17 = 36, 17 = 36, 3 ईयर टाइम कैसे आया, 3 ईयर नहीं है, 3 बार 10 मंथ है, 3 साल नहीं है, साल तो 30 महीने, टाइम तो 30 महीने का ही है सिर्फ मेरे पास, लेकिन मैंने 10 10 महीने के हिसाब से ब्याज को ब्याजों में जुड़वाया है, तभी मैं 3 साल जैसा सोच रही हूं। 30 महीनों में 10 महीने 3 बार आएंगे है ना, हर 10 महीने का रेट मैंने निकाल ही दिया है, तो फीलिंग ऐसी आएगी जैसे मैं 3 साल पे काम कर रही हूं, लेकिन होंगी 3 10 मंथली। प्रज्ञा समझे कि नहीं समझे, सोचोस। अच्छा तुम सोचो, मैं तुमसे ही बनवा के देख लेती हूं, चलो कॉपी पे पेन रख दो, तुमसे पूछती हूँ, छोड़ो कत्ते ही पल्ले नहीं पड़ा, बीच बीच में से कुछ ना पल्ले पड़ता, दूसरों को और कंफ्यूज कर रहे हो, बताती हूँ क्या नाम है तुम्हारा जो भी है, रुको। आप शांतिपूर्वक मेरी बात सुनिएगा, आप मेरे को बस खुद से सोच के बताना क्या करोगे, मैं तुम्हें दे रही हूं 27 महीनों का समय, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें कह रही हूं मैं 27 महीने के लिए पैसा देती हूं तुमको, ठीक है, मेरा पैसा 9 मंथली ब्याज चढ़ना चाहिए, कंपाउंडेड 9 मंथली होना चाहिए, क्या करोगे, कितनी बनाओगे, कितने हिस्से बनेंगे 27 महीनों में 9 के, बताओ तुम बताओ कितने महीने बनेंगे, मेरे को बताओ ना अब है, तुम बोलोगे मैडम ये जितना भी टाइम होगा हम देख लेंगे ये 9 महीने उस पर कितनी बार पूरे होते हैं, मैडम 3 बार 9 महीने पूरे हो जाएंगे, 3 बार 3 बार, वेरी गुड, 3 बार बनेंगे। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि वार्षिक दर, मैं रेट आपको, मैं रेट कभी भी ये नहीं बताऊंगी कि 9 महीनों का क्या है, कोई भी बैंक ऐसे नहीं बोलता, बैंक तो पर एनम रेट बताते हैं, आपको निकलवाना पड़ता है ऑन द स्पॉट, ठीक है, मैंने कहा मेरे बैंक का रेट 24% है पर एनम, तुम कितने महीने की बात कर रहे हो, मैं कहा 9 महीने की, तो 12 महीनों के लिए 24 है, तो 9 महीने के कितना हो जाएगा, 18% से ब्याज मिलेगा, 18% 18% 18%, तुमको 3 साल जैसी फीलिंग नहीं आ रही है,
ऐसे मत करो 2 साल 3 महीने, महीनों में बदल के करो। वो जो कंडीशन डालेगा 9 मंथली ऐसे बोलेगा वो। ओहो मुबारका मुबारका बिरला जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो जी। बिरला जी का आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर हो गया है भाई साहब, पीओ बन चुके हैं, ऑफिसर लग चुका है टैग। ठीक है। चलो समझ में आई कि नहीं आई? अपने से सेट करना पड़ेगा बिल्कुल। चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब तुम ठंडे दिमाग से अपने आप करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 साल, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। भाग गया क्या बधाई लेके, जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा फटाक से। चलो उसको छोड़ो, वो अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सिलेक्शन लेना है, जल्दी बताओ। एदा आंसर दसो जी। ₹24,000 के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से 1/2 साल का इंटरेस्ट बताना है सेमी एनुअली। जल्दी बताना फटाक से, 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कौन बता रहा है? भागूंगा नहीं अभी, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई। मेरी तुम मेरी पिछले वाली रिकॉर्डिंग देखो, मैंने मेरे चेहरे पे इतनी खुशी आई है, तुम्हारा मैसेज ना दिख गया था, मैंने क्लिक नहीं मारा था, ऊपर आ गया था ना, ऐसे वो नहीं हो जाता, स्क्रॉल में दिख गया था। मैं बच्चों के कमेंट देख रही थी, तो मैं इनको पहले ही बता चुकी हूँ। बताओ क्या 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 करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 1.5 साल है, 1.5 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 18 महीने होते हैं। 18 महीनों में 6 महीनों को कितनी बार आने का मौका मिलता है? 3 बार आने का मौका मिलता है। आप सोच पा रहे हो तुम लोग? 6-6 महीने के 3 स्लॉट, 3 साल जैसी फीलिंग ले पा रहे हो? 10% रेट है। सब बदलो इसको, इसको बदलो पहले तो, ये 10% बदलेगा, ये बदलेगा। इसने पर एनम दिया हुआ है, आप इसको बदलो। आप बोलोगे मैडम 12 महीनों का रेट 10 है, आप हमें 6 महीनों के लिए बोल रही हो, हम 5% यूज करेंगे। 5% तक सही है। अब मेरे को बताओ तुम सबसे आसान तरीका क्या लगेगा? तुम रेशो को खुद ही पीछे छोड़ दोगे शायद, तुम रेशो से सोचोगे। रेशो से सोच सकती हूँ अगर मुझे क्यूब्स आते हैं तो, ठीक है मैं रेशो से सोच सकती हूँ, मुझे क्यूब्स याद है। 20 से 21 20 से 21 20 से 21, 8,000 देखूंगी, 8,000 और उधर 9261, चाहे मैं 3-3-1 लगा दूं। मैं कर रही हूं 5%, मेरे को थोड़े बहुत क्यूब्स तो याद ही होंगे। 20 से 21 20 से 21 20 से 21, 8,000 से लिख रही हूं 9261, बीच में ब्याज है 1261, ये मेरे को दिख गया 24,000। इसका 3 गुना मारूंगी, यूनिट प्लेस से आंसर कर दूंगी, 3 गुना होएगा ये, 3 गुना ये, 3 गुना यूनिट प्लेस, पूरी गुना क्यों करूं, आंसर आ चुका है। हाँ लेट्स सेलिब्रेट जी, 4920 में गड़बड़ होगी। रामेंद्र जी गलती पकड़ी है, क्या गलती की आपने, रीचेक मारी है। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं गुणा ही नहीं की, मेरे को क्यूब्स याद थे, मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मुझे 8,000 और 9261 याद है। ठीक है, मैंने कहा 8,000 24,000 बन रहा है, 3 गुना, मैंने इसको जस्ट 3 गुना किया, यूनिट प्लेस से आंसर कर दिया। और अगर आप कहते हो कि मैडम 3-3-1 लगाना तो सिखा दो, इतनी बोली थी तो लगा भी दो, मैं लगा देती हूँ आपके लिए, लगा देती हूँ। देखो 3-3-1 कैसे लगाऊंगी, 3-3-1 बड़ा बड़ा लिख दूंगी। 24,000 का करूंगी सबसे पहले मैं 5%, 10% का आधा, इसका 10% 2400, आधा करूंगी तो 1200, 1200 का 5%, 10% 120, 120 का आधा 60, ये 1200, 1200 का 5% 60, 60 का 5% 3, ऐसे कर दूंगी। ऐसे भी खुश हो ना तुम सारे? अब क्या करोगे? 3680 3, लो जी पूरा आंसर आ चुका है, 3783, 1203 बार, 60 3 बार, ये 1 बार। बोलो गड़बड़ है रामेंद्र जी? डे रामेंद्र, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, आप सही होते, आप तब सही होते जब यहां पर ये ना होता,
इसको छुपा लो, फिर आप सही हैं, फिर आप सही हैं, फिर मैं भी 1.5 साल लेती। लेकिन इसने सेमी एनुअली कर दी ना, इसने कहा 6-6 महीने बना, अगर यहां पे सेमी एनुअली ना होता तो मैं भी 1.5 साल मानती, पहले साल 10, अगले साल 5, 1.5 साल होता, लेकिन सेमी एनुअली लिखा हुआ है, आप गलत नहीं थे, गड़बड़ हो गया। 25 तक के क्यूब काफी होते हैं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। हाँ क्लियरम क्लियरम, हाँ यूनिट डिजिट पे खेलो, खत्म करो कहानी, जितना समझाया यहां बैठ गया। 10% का रेट सुनाते जाना, ठीक है अभी रुक जाओ। 10% का 2 साल का रेट 21 होता है, 10% का 3 साल का रेट 33.1% होता है, इसको दिमाग में रख लो। थोड़े बहुत और रेट है, वो मैं चलते चलते तुम्हें इधर उधर घूमते घूमते लर्न करवा दूंगी, ठीक है। कल मैं आपको फाइनल क्वेश्चंस का गेम दिखाऊंगी, आज मैंने आपको बेस बना के दिया। उम्मीद करती हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नया रिवोल्यूशन हुआ होगा तुम्हारी लाइफ के अंदर। टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन तुमको मिलती रहे। और आज का मैं विनर तो अनाउंस कर दूं, ठीक है। आज जो क्विज हुई थी उसमें फिर से भारत ने जीता है इनाम, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सुबह 8:30 बजे मैं क्विज लेती हूं, जो भी ATC का ये चैलेंज जीतता है क्विज का, क्वांट्स का, उस बच्चे को हम लोग टेक्स्टबुक का जो पेड कोर्स है ना वो बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट पर देते हैं। तो आज का विजेता मैं बता देती हूँ कौन था, भारत था, नाम नहीं आया क्या, आया हुआ ना, हाँ भारत था आज का विनर, आज फिर से भारत जीता था इस क्विज को। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, इंस्टॉलमेंट भी करा दूंगी उमेश, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए एक चीज बताती जाऊं, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक इसी तरह से हमसे पढ़ना चाहते हो ऐप पर भी, ठीक है, आप ऐप पर पढ़ना चाहते हो, आइए जरा ऐप पर घूमते हैं टेक्स्ट बुक के। गूगल पर जाके मैंने टेक्स्ट बुक सर्च मारा है, हमारा ऐप खुल गया। सुपर कोचिंग में नीचे जाके मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे क्लिक मारा, यहाँ पर मैं ATC एग्जाम पर गई, ठीक है। इसको आप जैसे ही खोलेंगे ना, आपको सारे के सारे टीचर्स एजुकेटर्स दिख जाएंगे जिन जिनकी क्लासेस हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं आप लोग अगर, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कूपन कोड को आप कैसे लगा सकते हैं। स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है। आप सिर्फ ATC नहीं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग चैनल की, या किसी भी टेक्स्ट बुक के ऐप को इंस्टॉल करके आप, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बैंकिंग की, CGL की, इंजीनियरिंग की, UPSC की, किसी की भी, आप मेरा कूपन कोड गोपिका यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। क्विज होता है सुबह, नोट्स नहीं है, मैंने जो बोला वही नोट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलूंगी फिर से सेम टाइम सेम जगह शाम को ठीक 6 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। जितना बोला है ना उसको एक बार आप ना रिविजन करके आना, फिर देखना कल आपको मजा आएगा, आप कहोगे अरे ये तो बनते जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, आ जाओ आदित्य।